फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चिकन कौसा बिल्कुल ही बंगाली स्टाइल से। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे, 1 किलो चिकन, ये करीब 1/2 किलो प्याज है 8 से 10 स्लाइसेस में कटे हुए, 2 टमाटर, हरी धनिया पत्ता, सरसों का तेल। मसालों में हमें नमक स्वादानुसार लगेगा, हल्दी, जीरा पाउडर, क्यूमिन, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला चुटकी भर, चिकन मसाला जो कि मार्केट में मिलता है, और ये हम इसका पेस्ट बनाएंगे जिंजर गार्लिक और चिली का। ये हमारे खड़े मसाले, तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी और स्वादानुसार थोड़ी सी चीनी हम मिलाएंगे। अब हम चलते हैं स्टार्ट करने। तो अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, गर्म हो गई कढ़ाई। कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। तेल में कम ही यूज़ कर रही हूँ। तेल को गर्म होने तक का वेट करेंगे हम। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हमें 10 मिनट तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं, हम मसाला तैयार कर ले रहे हैं इन तीनों को मिक्सी में पीस के। अब हमारा प्याज भून गया है, अब हम इसे इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर के साथ हम इसमें नमक डालेंगे ताकि ये प्याज टमाटर बढ़िया से गल जाए। बाकी मसाले हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक टमाटर गल ना जाए। अब हमारा प्याज और टमाटर गल गया है, हम इसमें जो पेस्ट बनाया हमने जिंजर गार्लिक चिली का वो डाल दे रहे हैं। अब ये बाकी मसाले भी हम डाल दे रहे हैं, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, रेड चिली पाउडर, चीनी, हम सारे एक साथ ही डाल दे रहे हैं। और हल्का सा इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसे बढ़िया से मिलाएंगे। अब हम इसे 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे कि मसाले अच्छे से पक जाए और तेल छोड़ दें साइड में। अब हमारे मसाले पक चुके हैं, लेकिन साइड से तेल भी छूट रहा है। अब इसमें हम चिकन डालकर पकाएंगे और चिकन तब तक पकाएंगे जब तक वो अपना पानी और तेल दोनों ना छोड़ दें। हम चिकन के ही पानी में इसको पूरा पकाएंगे, अलग से कोई पानी हम ऐड नहीं करेंगे। तब हम इसमें चिकन मिला रहे हैं। हम बढ़िया से चिकन इसमें मिक्स कर लेते हैं। ब
बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि पूरा चिकन मसाले में मिक्स हो जाए। इसे कौसा चिकन इसलिए बोलते हैं क्योंकि चिकन के ही पानी में ये बनता है। अब ये अच्छे से चिकन और मसाले मिल गए हैं, 10 मिनट के लिए हम इसे ढक कर पकाएंगे। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं मध्यम आंच में। दस मिनट में ये अपना पूरा पानी और ऑयल रिलीज कर देगा। अब 5 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए बढ़िया से पानी छोड़ दिया है चिकन ने। इसी पानी में ये चिकन पकेगा। हम फिर से इसे ढक दे रहे हैं पकने के लिए 5 मिनट और। ये हमारे 10 मिनट हो गए हैं ढक के मध्यम आंच में पकाते हुए। अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिया पत्ता डाल देंगे और फिर इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। ये हमने एक धनिया पत्ता काट कर रखा हुआ है, इसका भी फ्लेवर चला जाएगा इसमें। ये हमने चिकन को बढ़िया से मिला दिया है धनिया पत्ता के साथ। अब हम इसे और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कि इसका ऑयल रिलीज हो जाए। अब हम इसे ढक देते हैं और आंच को लो कर दे रहे हैं। 15 मिनट में चिकन पक के तैयार हो जाएगा। अब 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारा चिकन तेल छोड़ चुका है। इसे हम और 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये पूरा पानी सोख ले और तेल बढ़िया से छोड़ दे। ये करीब और 5-7 मिनट पक चुका है। अब अच्छे से ये पक गया है। अब इनसे चेक कर लेंगे चिकन पका है या नहीं। पक चुका है चिकन। ये हमारा पक चुका है, गैस बंद कर रहे हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमारी प्लेटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।